वहीं अलवर में बीजेपी प्रत्याशी महंत बालकनाथ के प्रचार में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने ताकत झोंकी है। बालकनाथ के प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और कहा कि देश में राष्ट्रवाद और विकास दोनों मुद्दे साथ साथ हैं। आइए आपको सुनवाते कि क्या कुछ कहा भूपेंद्र यादव ने। हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव हैं। अलवर में रोड शो के लिए यहाँ पहुँचे हैं और भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ योगी के समर्थन में यहाँ रोड शो करेंगे। सर, रोड शो के लिए अभी आए हैं, इस बीच आपकी कोई सभा और वो नहीं हुई, उससे पहले लग रहा था कि अमित शाह के साथ आप सभा करेंगे, तो अब तक जो चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, क्या पूरा सिनेरियो लग रहा है आपको? पूरे चुनाव में, देश भर में जितना भी चुनाव हो रहा है और कल पाँचवें चरण का चुनाव होने जा रहा है, एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एक सभी लोगों के मन में पूरा विश्वास जम रहा है और आने वाले समय में मजबूत भारत बनाने के लिए, संकल्पित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक रहने वाला है। इसलिए सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हवा है। सर, राजस्थान में जो 25 सीटें हैं, लगातार दोनों ही पार्टियाँ कह रही हैं कि हम हमेशा 25 पे चल रहे हैं, तो भाजपा कितनी सीटें यहाँ लेगी? भाजपा तो 25 लेगी, बाकी आपको पता है कि मुख्यमंत्री को तो अपने बेटे की सीट नहीं बचा पा रहे तो, और उन्होंने लगभग 80 से ज़्यादा सभाएं तो अपने बेटे की सीट के लिए जी, उसके बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहे, तो आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा अच्छा वातावरण बना है। लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता, भले राष्ट्रीय नेता हूँ राहुल गांधी तक, कि झूठ बोल रहे हैं भाजपा के नेता, लगातार ये कह रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं आप बताओ मुझे, कोई कौन से पांच झूठ बोले? वो कह रहे हैं कि विकास नहीं किया, जो वादे किए हैं उनको पूरा नहीं किया, पिछले 5 साल में सरकार में आए तो 5 साल में जो उन वादों के साथ आए थे वो नहीं किए। वो कह रहे हैं कि जिन वादों पर पिछली बार सरकार के लिए थे, इस बार राष्ट्रवाद का मुद्दा आया और विकास के मुद्दे गौण हो गए हैं। अरे, पहली बात तो राष्ट्रवाद और विकास दोनों मुद्दे साथ साथ चलते हैं। दूसरी बात, जब हम सरकार में आए थे तो हमने कहा था कि हम जो उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार अनिर्णयकारी सरकार थी। निर्णय कैसा होता है कि जब देश में कोई अगर घटना घटती है आतंकवाद की भी, तो उसका माकूल जवाब तत्परता के साथ दिया जाता है। जहाँ तक विकास की बात है, सरकार में आने के बाद 35 करोड़ लोगों को जनधन से जोड़ा गया, 5 करोड़ उज्ज्वला दिए गए, 2.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई, जनधन, आधार और मोबाइल जैम का एक पूरा सूत्र बना करके गरीबों तक उनकी राशि को पहुँचाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में देश में 60,000 किलोमीटर प्रतिवर्ष के हाईवे बने, जब हम सरकार में आए थे तो 65 एयरपोर्ट थे, अब 101 एयरपोर्ट कार्यशील हुए। भारत दुनिया की 5 फ्रजाइल मतलब ज्वलनशील अर्थव्यवस्था में थी, अब भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में। तो क्या लग रहा है सर, अब जो ज़्यादा वोट आ रहा है वो आपने जो योजनाएं और जो 133 योजनाएं भाजपा गिनाती है उन योजनाओं के नाम पर ज़्यादा वोट आएगा या राष्ट्रवाद पे और सुरक्षित भारत पर ज़्यादा वोट आएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो योग्य नेतृत्व है, जिसके कारण देश दुनिया में भारत का मान बढ़ा है, भारत के आम आदमी को ये विश्वास हुआ है कि देश में सबका साथ सबके विकास की संकल्पना पूरी तरीके से बनी है, उसके कारण हमको लाभ है। भूपेंद्र यादव मानते हैं कि कांग्रेस एक अनिर्णयकारी सरकार थी, इस कारण लोग कांग्रेस को चूज नहीं करेंगे, जबकि नरेंद्र मोदी योग्य उम्मीदवार हैं, योग्य प्रधानमंत्री रहे हैं, इसलिए जनता मोदी के नाम पर वोट कर रही है और विकास के नाम पर भी वोट करेगी। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ अलवर।